नाजिल फरमाया और उस कौम के तमाम लोगों को बंदर बना दिया। इस कौम के लोग कौन सा ऐसा गुनाह करते थे जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया, और ये लोग बंदर बनने के बाद कितनी देर जिंदा रहे और फिर उनको किस कदर दर्दनाक मौत आई। जब ये लोग बंदर बन गए तो ये लोग अपने अजीज व अकारब को देखकर उनसे क्या कहते थे, और क्या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर उसी कौम की नस्ल में से हैं। इन तमाम तर सवाल के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इंसानों के बंदर बनने की इब्तिदा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से हुई। इस वाक़े का पस मंजर कुछ यूं है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समंदर के किनारे ईला नामी गांव में रहते थे और उनकी तादाद 70,000 के करीब थी। ये कौम बड़ी ही खुशहाल थी और अल्लाह तबारक व ताला की फरमा बरदार कौम थी। इस कौम को अल्लाह तबारक व ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था। हर तरफ सरसब्ज़ो शादाब बागात और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और अल्लाह तबारक व ताला की बेपनाह करम नवाजी थी। ये लोग अपनी इस जिंदगी में बहुत ही खुश थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम चूंकि समंदर के किनारे रहती थी तो अल्लाह तबारक व ताला का इन पर यह खास करम था कि समंदर के उस किनारे पर बेपनाह मछलियां आती थीं जिनका ये लोग कारोबार करते थे और बहुत ही खुशहाली वाली जिंदगी गुजारते थे। जब ये कौम अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों की वजह से खुशहाल हो गई तो अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी पर उतर आई और तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुबतला हो गई। और फिर एक दिन अल्लाह तबारक व ताला ने इस कौम का इम्तिहान लेने का इरादा किया और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपनी कौम से कह दें कि वो सनीचर के दिन यानी हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार करना बंद कर दें। इस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार हराम फरमा दिया और फिर यहाँ से इस कौम की बर्बादी शुरू हो गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह तबारक व ताला ने हफ्ते वाले दिन मछलियों के शिकार को हराम करार दे दिया है, तो वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और सारी कौम सर जोड़कर बैठ गई, क्योंकि हफ्ते का दिन ही वो दिन था जिसमें मछलियां वाफर मकदार में आती थीं और खुद ब खुद किनारे पर आ जाती थीं, और बाकी दिन ऐसे थे कि बहुत कम और ना होने के बराबर मछलियां पकड़ी जाती थीं। इस कौम का गुजर बसर चूंकि मछलियों के शिकार पर था, इस वजह से अल्लाह तबारक व ताला का ये हुक्म सुनकर ये कौम परेशान हो गई। ये नहीं जानते थे कि अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ये एक आजमाइश है। फिर एक दिन शैतान ने इनको वसवसा डाला कि समंदर से नालियां निकालकर खुश्की में बड़े बड़े हौज बना लिए जाएं। जब हफ्ते वाले दिन मछलियां आएंगी तो वो नालियों से होकर उन बड़े बड़े हौजों में आ जाएंगी और इस तरह फिर उन नालियों का मुंह बंद कर दिया जाए और फिर अगले दिन यानी इतवार वाले दिन उनको पकड़ लिया जाए। शैतान ने इस कौम के लोगों को वरगलाया कि इस तरह हम हफ्ते वाले दिन शिकार से भी बच जाएंगे और मछलियां भी हाथ आ जाएंगी और वो भी पकड़ी जाएंगी। बहुत से लोगों को यह हिलाबाजी अच्छी लगी और उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया और समंदर से छोटी छोटी नालियां निकालकर बड़े बड़े हौजों में डाल दी, जिसके जरिए वाफर मकदार में मछलियां उन हौजों में दाखिल हो जाती। इस कौम के बदबख्त लोगों को शैतान का यह हिला बहुत पसंद आया, लेकिन इस कौम ने यह ना सोचा कि जब मछलियां समंदर से हौज में आकर कैद हो गई तो फिर मछलियों का शिकार ही हो गया, इसलिए ये शिकार भी हफ्ते वाले दिन ही करार पाया जो अल्लाह तबारक व ताला ने हराम करार दिया था। इस मौके पर यहूदियों के तीन ग्रोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस शैतानी हिले से मना करते थे और नाराज और बेजार होकर शिकार से बाज रहे, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे लेकिन उन्होंने शिकार ना किया और दूसरों को मना भी ना करते थे, बल्कि ये लोग मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला अन करीब हलाक करने वाला है और उन पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाने वाला है। और इस कौम के कुछ लोग ऐसे थे जो सरकश और नाफरमान लोग थे जिन्होंने अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म की ऐलानिया मुखालफत की और शैतान के हिलेबाजी को मानकर हफ्ते वाले दिन शिकार करने लगे। ये लोग अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म की खुला मखुला मुखालफत करते और हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करके उनको खाया करते और बेचा करते।
प्यारे दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 1200 ऐसे नाफरमान अफराद थे जो मना करने के बावजूद भी हफ्ते को इन नालियों के जरिए शिकार करते रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन 1200 नाफरमानों को अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से डराया कि वो अल्लाह तबारक व तआला की इस नाफरमानी से बाज आ जाएं, लेकिन वो लोग बाज ना आए और खुले आम शिकार करने लगे। चुनाचे वो लोग जो इस बात को बुरा जानते थे, उन लोगों ने अपने और इन नाफरमानों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी, जिसकी एक तरफ वो 1200 नाफरमान रहते थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो शिकार से बाज रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी इस कौम के नाफरमानों को बारहा समझाया, लेकिन ये लोग अपनी नाफरमानी से बाज ना आए और उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते रहे और शिकार करते रहे। फिर एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। उसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई भी अपने घर से बाहर ना निकला। ये मंजर देखकर कुछ लोग उनकी दीवारों पर चढ़ गए ताकि मालूम हो सके कि वो लोग किस हाल में हैं। जब उन लोगों ने उन नाफरमानों को देखा तो वह सब के सब बंदर की सूरत में मसख हो चुके थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नाफरमानी की वजह से उन पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और उनको इंसानों से बंदर बना दिया। जब लोग उन मुजरमों का दरवाजा खोलकर उनके घर में दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे और जारों की तार रोते थे, लेकिन वो कुछ बोल ना सकते थे। अल्लाह तबारक व तआला के इन नाफरमान बंदर बन जाने वाले लोगों की तादाद 12,000 थी। इन 12,000 लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बंदर बना दिया। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, और बेशक जरूर तुम्हें मालूम है तुम में के वो जिन्होंने हफ्ते में सरकशी की तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर दुदकारे हुए। इस तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 12,000 नाफरमान बंदर बन गए। ये लोग 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दौरान ये कुछ न खा सकते थे और न ही पी सकते थे, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए और 3 दिन के अंदर सब के सब मारे गए। और वो लोग जो इन नाफरमानों को अल्लाह तबारक व तआला की इस नाफरमानी से मना करते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इस अजाब से सलामत रखा। और वो लोग जो इस शिकार को बुरा जानकर खामोश रहते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भी इस अजाब से सलामत रखा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि आज के दौर के बंदरों में से क्या कोई बंदर उनकी नस्ल में से भी मौजूद है, या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर उन्हीं बंदरों की नस्ल में से हैं। इसके मुतालिक रिवायात में आता है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि आज के बंदर क्या हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम से हैं, तो हजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जिस कौम पर अजाब भेजता है या उनकी शक्लों को मसख करता है तो ये अजाब उन्हीं पर होता है जिन पर वो अजाब नाजिल हुआ था, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को हलाक कर देता है और उनकी आगे नस्ल नहीं बढ़ती। इसलिए ये बात गलत है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि आज के बंदरों में भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के बंदर बनने वालों की नस्ल मौजूद है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ 3 दिन जिंदा रहे और उसके बाद सब के सब हलाक हो गए और अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम के नाफरमानों को सफाई हस्ती से मिटा दिया।